हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को मैंने दो तरीके से मैंने डिफाइन किया। फर्स्ट डिफिनेशन क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करो, क्या है, एक ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। फॉर कॉस्ट विच बिगेन्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, जिसका स्टार्टिंग किससे होता है, इनकम को रिकॉर्ड करने से एंड एक्सपेंडिचर, एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, कॉस्ट शीट बनाओगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। ये हमारा फर्स्ट डिफिनेशन बोलता है। सेकेंड डिफिनेशन क्या बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डिफाइन एज अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन मतलब कॉस्ट को हम वेरियस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, वो हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। कॉस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी हम खर्चों को एनालिसिस करेंगे, क्या खर्चे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए थे, या होने चाहिए थे तो कितने होने चाहिए थे, वो सब कुछ के बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे। एज विल इनेबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टू अर्सर्टेन, यानी हम किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की, यानी सपोज ये पेन है मेरे पास, इसकी कॉस्ट को हम अर्सर्टेन करना, अर्सर्टेन का मतलब होता है निर्धारण करना, डिटरमाइन करना, बताना विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एंड एट द सेम टाइम टू डिस्क्लोज एग्जैक्टली हाउ दिस टोटल कॉस्ट इज कंस्टिट्यूट। देखो रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सपोज जब मैं पेन की कॉस्टिंग कर रहा हूँ तो इसमें मैंने काफी सारे एजम्पशंस लिए होंगे कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उस एजम्पशंस के पीछे कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, यानी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है कोई वैलिड रीजन, वैलिड ग्राउंड होना चाहिए जब भी आप कोई एजम्पशंस ले रहे हो। विदाउट वैलिड ग्राउंड के आप एजम्पशंस नहीं लोगे। तो ये मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग था। आपको आराम से 2 से 3 बार आप इसे पढ़ोगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। आप मेरे वीडियोज को बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।